बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में करोना वायरस के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुसद्दिका केसेस की तादाद 1,34,667 हो गई है। अब तक 2,574 अफराद करोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं और 40,247 अफराद सेहतियाब होकर अस्पतालों से घर वापस लौट चुके हैं। मुल्क के तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज है और सरकारी हस्पतालों समेत बाज़ प्राइवेट अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद मुकामात पर आरजी हस्पताल भी बनाए गए हैं। जब से करोना वायरस ने अपना असर पहले चीन और फिर पूरी दुनिया पर दिखाना शुरू किया है, इस सिलसिले में नित नई बातें रोज़ सुनने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ सच होती हैं और कुछ झूठ का पलंदा। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में इतनी ज़्यादा पोस्ट रोज़ लगती हैं कि आदमी चकरा कर रह जाता है कि किस पर यकीन करें और किस पर ना करें। हालांकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है, कोई वैक्सीन ताहाल नहीं बन सकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर करोना वायरस के इलाज की इतनी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलती हैं कि यूं महसूस होता है कि हमारी कौम में सिर्फ हकीम और डॉक्टर ही पाए जाते हैं जो रोज़ नित नए इलाज बता रहे होते हैं। कभी लहसुन और कभी लीमू से करोना वायरस का इलाज बताया जाता है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली अक्सर मालूमात बेसरोपा ही होती हैं। सेहत के हवाले से मोहतात रहना बड़ा ज़रूरी है। हल्की सी कोताही और लापरवाही किसी बड़े सानहा का सबब बन सकती है, जिस तरह हम लिबास, जूते और ख़ूबसूरती के दूसरे लवाजमात ख़रीदते वक्त ब्रांड और क्वालिटी पर समझौता नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे भी बढ़कर सेहत और तंदरुस्ती से जुड़े अवामिल पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। जिस बदन की ज़ाहरी कशिश और दिलकशी के लिए हम इतनी मेहनत और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन किस कदर नादानी है कि इसी बदन की तंदरुस्ती के लिए हम सुनी सुनाई बातों और मुफ्त के टोटकों पर इनसार करते हैं। कभी कहा जा रहा है कि सना मकी का कावा पिएं और चंद घंटों में करोना वायरस से निजात पाएं। ये बात तो खैर बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इससे हुआ ये है कि जो सना मकी कुछ दिन पहले चंद सौ रुपए किलो बिक रही थी, अब 5,000 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। नाज़रीन, जो एहतियाती तदाबीर हमें डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन बता रहे हैं, खुदारा उन पर अमल ज़रूर करें। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हज़ारों ऐसी पोस्ट शेयर की गई हैं जिनमें वज़ारत सेहत इटली के हवाले से कहा गया है कि करोना वायरस 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए से फैलाया जा रहा है और इसका इलाज पेन किलर और एंटीबायोटिक तक से किया जा सकता है। ये वायरस नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का सबब बनता है। ये बात बिल्कुल गलत है और WHO ने भी इसकी तरदीद की है।
इधर सैन रफाइल हॉस्पिटल मिलान के एक डॉक्टर अल्बर्टो ज़ेंग्रिलो ने कहा है कि अब कोरोना वायरस अपनी शिद्दत खो रहा है और अब इटली में इतने मरीज सामने नहीं आ रहे जितने 2 माह पहले आ रहे थे। एक और डॉक्टर माइसो बासीती ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट्स पर पहले ही शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा था और अब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने भी इन शकूक पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। साइंसदानों ने नई तहकीक के नतज में बताया है कि इब्तदाई मरहले में अगर कोरोना वायरस के मरीजों के टेस्ट किए जाएं, तो उनके नतज मनफी आने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि उस वक्त उनके जिस्म में वायरस मौजूद होता है और कुछ अलामात भी जाहिर हो रही होती हैं। इन तहकीकात में साइंसदानों ने 1330 ऐसे मरीजों के डेटा का तज्जिया किया जिनके टेस्ट एक बार मनफी आए और चंद दिन बाद मुस्बत आ गए। जब उनके टेस्ट मनफी आए उस वक्त भी उनमें से अक्सर में कोरोना की कुछ अलामात मौजूद थीं। एक मैगजीन में शाया होने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट में तहकीकाती टीम की सरबरा लॉरेन ने डॉक्टरों को हिदायत करते हुए कहा है कि वो ऐसे लोगों को कोरोना वायरस का मरीज समझकर उनका इलाज करें जिनमें कुछ अलामात जाहिर हो रही हों, ख्वा उनके टेस्ट मनफी आए। चंद दिन बाद ऐसे ही लोगों के टेस्ट मुस्बत आने का गालिब इम्कान होता है क्योंकि वायरस लाहक होने के इब्तदाई दिनों में टेस्ट मनफी आने का खदशा ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में हकूमती सतह पर शायद नाकिस टेस्टिंग किट्स मंगवाई गई हैं क्योंकि कई लोगों ने सरकारी हस्पतालों से टेस्ट करवाए तो उनके टेस्ट मुस्बत आए। बाद में जब इन्हीं लोगों ने किसी प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाए तो वो टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई। नाज़रीन कराम, चूँकि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिरा मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ये एक अमूमी हालत है और इसके लिए किसी साइंस की भी ज़रूरत नहीं। इस वायरस की खासियत में 1 से 50 को भी मुतासिर करने की सलाहियत होती है। जो लोग बैरूने मुल्क से आकर इधर उधर खिसक गए उन्होंने भी इसी तनासब से लोगों को मुतासिर किया होगा और जब तक दायरा कार दूर तक नहीं बढ़ाया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। हालात का तकाजा तो ये है कि अगर देहात तक आइसोलेशन और इलाज का सिलसिला बढ़ाया नहीं जा सकता तो इसे कस्बात या कम से कम तहसील टाउन हेडक्वार्टर तक तो वसत दे दी जाए। इसके लिए इरादे और हिम्मत की ज़रूरत है। ये सिलसिला मौजूदा वसाइल ही में रहकर भी पूरा हो सकता है बशर्त के बासलाहियत लोगों के ज़िम्मा ये काम लगाया जाए और कोरोना को हर कीमत पर सियासत से दूर रखा जाए। इस हवाले से माहिरीन अव्वल रोज़ ही से खबरदार करते चले आ रहे हैं। सलाम उनको जो अगले मोर्चों पर इस गैबी दुश्मन से नबर्द आजमा हैं। ज़रूरी हो गया कि अब एक ऐसे मसले की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाए जिसे अब तक नज़रअंदाज किया गया है, बल्कि मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वो है कोरोना के अलावा दूसरे अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज।
हमारा मुल्क गरीब और पसमांदा है, हर कोई निजी अस्पतालों से रुजू नहीं कर सकता, इसलिए सरकारी अस्पतालों पर बोझ बहुत ज़्यादा है। पहले ही इन इलाज गाहों के हवाले से अमले, अद्वियात और आलात की किल्लत थी और है। अब तो हालात और भी ख़राब हो गए कि तिबली अमले को कोरोना के लिए हासिल कर लिया गया है। इन हस्पतालों के ओपीडी और इमरजेंसी शोबे मुतासिर हुए हैं। सरकारी हस्पताल वाले मरीजों और हालात का जायज़ा भी लेना लाजिम है। इस सिलसिले में लाहौर में सिर्फ पीआईसी एक ऐसा हस्पताल है जिसके सारे शोबे काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से बेहतर निज़ाम ना होने की वजह से इस हस्पताल में एक सानहा रूनुमा हो चुका कि कोरोना वायरस से मुतासिर एक मरीज़ दिल की तकलीफ जानकर आया, उसकी देखभाल से अंदाज़ा हो गया तो उसे साथ वाले सर्विसेज अस्पताल भिजवाया गया कि वहाँ कोरोना इलाज का एहतमाम किया गया है। वहाँ उसे मामूल की कार्रवाई से गुजारा गया और मरीज़ जाँ बहक हो गया। अस्पताल वालों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हरकत कल्ब बंद होना करार दे दिया और मैयत लवाकीन के हवाले कर दी। इस एक मरीज़ ने न सिर्फ अमराज कल्ब के इदारे बल्कि सर्विसेज अस्पताल के अमले समेत मैयत के लवाहिकीन समेत बहुत से अफराद को मुतासिर किया। पीआईसी के डॉक्टर हजरात समेत तिब्बी अमले के 5 से 6 अफराद भी मुतासिर हुए, ये बात तस्दीक शुदा है। हमारा शिकवा ये है कि हमारे दोस्त इधर तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही ये बताया जा रहा है कि सरकारी हस्पतालों में दूसरे अमराज के मरीजों पर क्या गुजर रही है और कितने मरीज़ जान की बाजी हारते हैं और शायद उनका शुमार भी कोरोना मुतासिरीन में हो जाता है। इस तरफ तवज्जो लाजिम है। आइए ज़रा इन हालात की रोशनी में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की शिकायत पर भी गौर करें। इस तंजीम के अहदेदार हजरात का कहना है कि ना सिर्फ ये कि तमाम सरकारी अस्पतालों के पूरे तिब्बी अमले के आलात और हिफाजती लिबास फराम किया जाए, बल्कि यहाँ कोरोना वायरस के मुतासिरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमले के अफराद को भी मुकम्मल तौर पर हिफाजती किट्स फराम नहीं की गई हैं। यूं खिदमात में मसरूफ़ तिब्बी अमले को तो मुतासिर होकर और भी कम हो रहे हैं और हर सरकारी अस्पताल में कोरोना वार्ड बना दिए गए हैं, इनमें आइसोलेशन का पूरा इंतज़ाम नहीं। एक डॉक्टर साहब ने ख़ुद बताया कि वो मेयो हॉस्पिटल गए और आइसोलेशन वार्ड को देखा तो हैरान रह गए कि मरीज़ 4-4, 5-5 की टोलियों में एक दूसरे के साथ गप लगा रहे हैं, जबकि दो अफराद ऐसे भी नज़र आए जो हस्पताल में मुतासिरीन वायरस से मिलने के लिए आए थे और एहतियात ये की कि मास्क लगाए हुए थे। ये वार्ड भी अस्पताल के अंदर है, इसलिए दीकर का मुतासिर हो जाना गैर मंतकी नहीं। लिहाजा ये मुतालबा गैर मुनासिब नहीं कि तमाम तिब्बी अमले को हिफाजती सामान से लैस किया जाए। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ बरसर पैकार फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमला बुरी तरह मुतासिर हुआ है और बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, नर्सें और दीगर अमला इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से अब तक 1904 डॉक्टर्स और अमले के दीगर अफराद मुतासिर हुए हैं,
जिनमें से कम से कम 30 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं, जबकि 4 की हालत तश्वीशनाक है। इस वायरस से वो डॉक्टर भी मुतासिर हुए हैं जो अपने निजी क्लिनिक्स पर मरीजों का मायना करते हैं, और वो तिब्बी अमला भी जो हस्पतालों में कायम कोरोना कॉम्प्लेक्स या वार्ड्स में मरीजों के इलाज के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान में वजारत सेहत की जानिब से 29 मई को जारी किए गए अदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 1035 डॉक्टर्स, 299 नर्सें और दीगर सेहत के शोबों से ताल्लुक रखने वाले 570 अफराद मुतासिर हुए हैं। इन मुतासिरीन में से बेशतर को अपने अपने घरों में करंतीना किया गया है, जबकि 170 फ्रंट लाइन वर्कर इस वक्त अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इनमें से 4 अफराद की हालात तश्वीशनाक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि 17 डॉक्टर्स और अमले के दीगर अफराद फौत हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे जैसे कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों और अमवात में इजाफा हो रहा है, तिब्बी अमले के अफराद भी इसी रफ्तार से मुतासिर हो रहे हैं और उनकी अमवात में भी इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर इस अमर की ज़रूरत है कि तमाम तिब्बी अमले को हिफाजती सामान से लैस किया जाए ताकि वो इस मूजी बीमारी से महफूज रह सकें और बग़ैर किसी परेशानी के कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर सकें। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए, आइंदा प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक बात कि अगर आपने अभी तक तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।